अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो पेनी स्टॉक्स वालों के लिए है, जो लोग पेनी स्टॉक्स में काम करते हैं या पेनी स्टॉक्स ख़रीदना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कम पैसों में हम ज़्यादा शेयर खरीद लें और ज़्यादा मुनाफा कमाएं। बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी अगर मैं बात करूँ, इसमें GHNIA, HKR है, ये सारे स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स हुआ करते थे और इन्होंने बहुत तेज़ी से मल्टी बैगर इफ़ेक्ट दिए हैं, जो बाद में पेनी स्टॉक से मल्टी बैगर हो गए। और समझ लें कि 5 रुपये से 10 रुपये वाले शेयर जो थे वो 200-300 रुपये या 1000 रुपये तक के हो गए। तो इतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, कुछ ऐसे वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, लेकिन उनको फाइंड करना होता है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने अपनी वेल्थ को पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके 1000% तक का रिटर्न लिया है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा पेनी स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसकी कीमत 10 रुपये से भी कम है और टेक्नोलॉजी सेक्टर की अर्निंग वाली कंपनी है ये। तो आज की वीडियो में मैं इस कंपनी के बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा और किस प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए। जो लोग पेनी स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही प्रॉफिटेबल होने जा रही है आप लोगों के लिए व्यूअर्स। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। जिस स्टॉक को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हम नेटवर्क लिमिटेड। हम नेटवर्क लिमिटेड पाकिस्तान का मशहूर डिजिटल मीडिया चैनल है और टेक्नोलॉजी सेक्टर से इसका ताल्लुक़ है। चैनल तो इनका ग्रो कर रहा है और इनका जो ओवरऑल बिजनेस है वो एक्सपेंड हो रहा है कंपनी का। अगर बात करें तो ये कंपनी किसी जब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई थी तो उस वक्त इसकी प्राइस काफ़ी हाई हुआ करती थी और आप इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको हैरान कर देंगे कि इस वक्त ये शेयर जो है वो 10 रुपये से भी कम कीमत में मिल रहे हैं और पेनी स्टॉक बन गया है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, सबसे पहले बात करते हैं इसकी करंट प्राइस की। करंट प्राइस इस वक्त 6.5 रुपये पर ये ट्रेड हो रहा है। आप देखेंगे इसने अभी 8-8.5 रुपये का हाई बनाया था और उसके बाद अब ये जब मार्केट ने करेक्शन लिए तो 6.5 रुपये पर आ गया है। रिस्क के चांस इसमें बहुत कम है क्योंकि इस वक्त ये 52 वीक की लोएस्ट पोजीशन पर है। और अगर बात करें कि शॉर्ट टर्म में जो इसकी टारगेट प्राइस हो सकती है, शॉर्ट टर्म में ये 8-9 रुपये तक जा सकता है, तो 2-2.5 रुपये का गेन इसमें मौजूद है शॉर्ट टर्म में। क्योंकि छोटा शेयर है, पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक में 2-2.5 रुपये का गेन भी एक अच्छा गेन माना जाता है। और लॉन्ग टर्म में अगर बात करूँ तो इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये 2-3 गुना हो सकता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर मार्केट में रैली बनी और लग ऐसा रहा है कि इलेक्शन के बाद एक बड़ी मूव आने वाली है मार्केट में, तो ये स्टॉक जो है वो 15-16 रुपये तक जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तो आपकी इन्वेस्टमेंट को 2-3 गुना भी कर सकता है। व्यूवर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको टाइमली ऐसे स्टॉक्स बताऊँ जिसमें रिस्क के चांसेस ना हो और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हो। तो हम नेटवर्क लिमिटेड जो है वो एक ऐसा स्टॉक है जो इस वक्त पेनी स्टॉक है, लेकिन मुस्तकबिल में कह सकते हैं कि ये मल्टी बैगर बन सकता है। मार्केट कैप इसकी 7.58 बिलियन की है। EPS एक क्वार्टर का है और EPS 0.42 EPS है। और हिस्ट्री के अगर बात करें तो इसकी इस वक्त एक क्वार्टर में इसने बहुत अच्छी अर्निंग की है और लग ऐसा रहा है कि ये हिस्ट्री का हाई अपना बना लेगा इस वक्त अगर इसकी अर्निंग बढ़ जाती है। क्योंकि 3 क्वार्टर में अगर अर्निंग इम्प्रूव हो जाती है तो शेयर का जो प्राइस है वो डेफिनेटली काफ़ी ऊपर जा सकता है, क्योंकि पोटेंशियल है इसमें 15-16 रुपये तक ही ईजिली जा सकता है। डिविडेंड, एयरली डिविडेंड ये बोनस शेयर देता है और साथ साथ कुछ ना कुछ डिविडेंड भी अनाउंस कर देता है। तो लास्ट ईयर इसने स्किप किया था, लेकिन ये एक बोनस देने वाली कंपनी है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। और ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छा शेयर है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है इस स्टॉक में। और हिस्ट्री का हाई आप देखें 177.74 है, जो कि 2014 में इसने बनाया था। अब देखें 177 वाला शेयर है और इस वक्त जो वैल्यू है वो 6.5 रुपये पर ये मिल रहा है, तो अपनी फेयर वैल्यू से बहुत ही कम कीमत में मिल रहा है। इसमें रिस्क बिल्कुल ज़ीरो है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हो सकता है। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, एक ऐसी कंपनी जो डिविडेंड भी देती हो और ग्रोथ वाली कंपनी हो, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हम नेटवर्क लिमिटेड। और शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताया जो टारगेट प्राइस है वो 8-8.5 रुपये तक ये ईजिली जाएगा आने वाले दिनों में, तो 2-2.5 रुपये का गेन शॉर्ट टर्म में आपको मिल सकता है।
और हो सकता है कि अभी अपकमिंग जो सेकंड क्वार्टर के बाद ही अपनी बोर्ड मीटिंग में अच्छा डिविडेंड या बोनस शेयर अनाउंस करे कंपनी, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है हम नेटवर्क लिमिटेड और जो लोग पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर बात करूं तो ये इस वक्त पैनी स्टॉक्स, ये ऐसा पैनी स्टॉक्स है जो फ्यूचर में मल्टी बैगर भी बन सकता है। तो जो लोग ऐसे वैल्यू स्टॉक्स को फाइंड करते हैं कि इस वक्त बहुत कम कीमत में मिल रहे हों और फ्यूचर में 1000% तक रिटर्न दे सकते हो, तो ये स्टॉक जो है वो हम नेटवर्क लिमिटेड एक वैल्यू स्टॉक साबित हो सकता है। तो व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताऊँ ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमा सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक वैल्यू एडिशन साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।